हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम महेश दत्तानी का प्ले तारा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस में भी है। तो जो ये प्ले है, ये महेश दत्तानी ने कंपोज किया है। और महेश दत्तानी एक एक्टर, एक डायरेक्टर, प्ले राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। महेश दत्तानी बैंगलोर में अगस्त 1958 में बॉर्न हुए थे और बैल्डविन हाई स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी है और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं। तो ये जो प्ले है, हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो प्ले है, इसका नाम है तारा। और ये प्ले सोशल सेपरेशन के अराउंड घूमता है, जो कि दो ट्विन्स के बीच में होती है। और ये जो सेपरेशन होती है, ये मैनिपुलेटेड होती है उसकी मदर और उनके ग्रैंडफादर की वजह से, जो कि उन दोनों ट्विन्स में से जो बॉय ट्विन होता है, जिसका नाम चंदन होता है, उसे ज्यादा फेवर करते हैं लड़की से, जिसका नाम होता है तारा। और तारा को बिल्कुल भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती उसके ब्रदर चंदन की तरह। और ये जो प्ले है, क्लास कम्युनिटी के इश्यूज और मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज में जो क्लैशेस होते हैं, उसे दिखाता है। समरी शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। तो इसमें भारती है, जो तारा की मदर है। तारा है जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है प्ले की, और दो ट्विन्स में से एक ट्विन है। पटेल तारा का फादर। रूपा तारा और चंदन की फ्रेंड है कॉलोनी में। डॉक्टर थाकर एक करप्ट डॉक्टर है, और चंदन, जिसे दान भी कहा गया है, वो नरेटर है और तारा का ट्विन ब्रदर है। अब हम प्ले की समरी पे ध्यान देते हैं। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है, उसमें दान यानी कि चंदन जो है, वो पेपर पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। वो नरेट करता है हमें इसके बारे में, रोज लिखने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है ये काम करने में, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उन मेमोरीज को याद करने में। और जब भी वो इन्हें रिकॉल करता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो सब सोच के कि वो पास्ट ईयर्स में उसने कितना कुछ सहा है। अपनी मेमोरीज में लेकर जाता है, और अपनी मेमोरीज में वो हमें अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पे तारा को उसकी मदर पैम्पर कर रही है बहुत ज़्यादा, और उसे कॉन्स्टेंटली बोल रही है मिल्क पीने के लिए, लेकिन तारा जो है वो बार बार मना करे जा रही है। अपने ब्रास टम्बलर में मिल्क लेना चाहती है। तो इस पे भारती रिप्लाई करती है कि उसके फादर ने, यानी कि तारा के फादर ने, अभी तक उन्हें अलाउ नहीं करा है अनपैक करने के लिए उनका लगेज, क्योंकि वो अभी 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 अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हुए हैं। और ये हमें क्लियरली शो करता है पटेल और भारती, यानी कि तारा के मदर और फादर के बिटर रिलेशनशिप के बारे में। जैसे हम प्ले में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक कन्वेंशनल एटीट्यूड है इस फैमिली में मस्कुलिनिटी की तरफ। और ये तब प्रूव होता है जब एक दिन चंदन अपनी मदर को हेल्प करना चाहता है निटिंग में, और तब उसके फादर ये देखकर कहते हैं कि ये काम मेंस के लिए नहीं है, इन्हें वुमेन के लिए छोड़ देना चाहिए और उसे ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, ताकि मैं तुम्हें बेसिक थिंग्स सिखा सकूं बिजनेस के बारे में। तो जिसपे चंदन जो है वो रिप्लाई करता है कि आप तारा को साथ ले जाओ, क्योंकि तारा एक अच्छी बिजनेस वुमेन बन सकती है। और ये सुन के पटेल जो है वो रिफ्यूज कर जाता है और उस पे गुस्सा भी करता है, और कहता है, और एक्चुअली उसे ऑर्डर करता है कि तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो और हम अब इसके बारे में कुछ और आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। ऐसा ही दूसरा इंसिडेंट भी हमें देखने को मिलता है प्ले में, जब पटेल जो है वो कहता है कि वो चंदन की फॉरेन एजुकेशन के लिए मनी सेव कर रहा है, और चंदन रिफ्यूज करता है कि उसे राइटर बनना है, तो आप मेरी जगह तारा के लिए मनी सेव करो, उसे अब्रॉड भेजो फर्दर स्टडीज के लिए। और आगे प्ले में हमें ये भी देखने को मिलता है कि भारती, तारा की जो मदर है, वो रूपा को ब्राइब करती है, यानी कि उसे रिश्वत देती है कि वो उसके वीसी पर एक ही कंडीशन पे मूवी देख सकती है, कि वो तारा के साथ फ्रेंड्स बनेगी, क्योंकि तारा के फ्रेंड्स नहीं है लोकेलिटी में। और बाद में हमें ये भी पता चलता है कि तारा जो है उसे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के थ्रू जाना पड़ता है। जब तारा का किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी होनी थी, तो भारती बहुत ही ईगरली चाहती है कि वो अपनी किडनी तारा को डोनेट करे, लेकिन पटेल जो है वो कहता है कि एक कमर्शियल डोनर अरेंज कर दिया गया है तारा के लिए, और उसे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आर्ग्यू भी करती है कि तारा के लिए उसे किडनी डोनेट करनी चाहिए। और तारा की सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 में डॉक्टर बताते हैं कि पोस्ट सर्जिकल केयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तारा के लिए। और प्ले जो है वो प्रोसीड करता है जहाँ पर, और तारा की अपॉइंटमेंट होती है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, लेकिन इंस्टेड फिजियोथेरेपिस्ट
फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फिजियोथेरेपिस्ट वो हॉस्पिटल जाती है, और वहाँ पर भारती एडमिट होती है, भारती यानी कि उसकी मदर एडमिट होती है, और वो उससे मिलने जाती है लेकिन उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो वो घर वापस जाती है, सारी बात अपने भाई को बताती है, सारा घर वापस जाके अपने भाई को सारा इंसिडेंट बताती है, और वो अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहते हैं साथ में, और चंदन एग्री करता है इस बात में। और वो जब पटेल से यानी कि अपने फादर से परमिशन लेने जाते हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उन्हें परमिशन देने के लिए, पर तारा और उसके फादर के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और वो रिफ्यूज़ करती है कि अगर आप, और वो कहती है कि अगर आप रिफ्यूज़ करोगे वो तब भी अपनी मदर से मिलने जाएगी। और इस बात में जो ट्रुथ है वो आउटब्रेक हो जाता है पटेल के माउथ से, और पटेल बताता है ये सब जो हो रहा है इसकी वजह उसकी की मदर और उसके ग्रैंडफादर है। उसके ग्रैंडफादर एक वेल्दी मैन थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और एक MLA थे, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, और उन्होंने उनकी मैरिज के लिए बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी शादी कर ली थी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे जब उन्हें पता लगा था कि उन्हें ट्विन्स होने वाले हैं। उसके फादर उन्हें बताते हैं कि जब उनका बर्थ हुआ था तो वो दोनों दो बेबी थे जो एक दूसरे को हग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपने वर्स्ट नाइटमेयर के लिए प्रिपेयर थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि दोनों बेबीज की एक लेग कॉमन है, यानी कि उन्हें 4 लेग्स नहीं 3 लेग्स हैं। और उनके ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गए थे इस बात में डॉक्टर ठाकर के साथ, और काफ़ी सारे टेस्ट के बाद, स्कैंस के बाद ये पता चला कि जो मेजर पार्ट सप्लाई है ब्लड का वो 3rd लेग का गर्ल्स से आ रहा है, तो जो चांसेस हैं 3rd लेग के सर्वाइव करने के वो गर्ल में ज़्यादा है बॉय। लेकिन उसके ग्रैंडफादर और मदर ने बहुत प्राइवेट टॉक्स करी डॉक्टर के साथ और उसे ब्राइब किया, और इस डिसीजन पे आए कि जो 2 लेग्स हैं वो बॉय को दे देनी चाहिए, जबकि ऐसा चांसेस बहुत कम थे उसके सर्वाइवल के इस चीज़ के बाद। और वही हुआ, डॉक्टर को 2 लेग्स उसकी रिमूव करनी पड़ी क्योंकि उसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं थी। और ये सब सुनने के बाद तारा जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक मैनर में उसने चंदन से अपने सारे कॉन्टैक्ट जो थे वो कट कर लिए, और कुछ टाइम के बाद वो मर जाती है, और चंदन जो है वो अकेला लंदन में रह रहा होता है अपने न्यू नेम के साथ जो है डैन। हम इसके एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं, और इस प्ले में हमें हिपोक्रेसी और फेवरेटिज्म देखने को मिल रहा है जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलता ही है, और भारती की बहुत ज़्यादा केयर और अफेक्शन वो हम तारा की तरफ, उसे हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है कि उसने जो भी कुछ किया तारा के साथ उसे लेके वो गिल्टी है, और ज़्यादा लव और अफेक्शन देकर वो अपनी गिल्टी को सेटिस्फाई करना चाहती है, लेकिन इससे वो तारा को इमोशनली और मेंटली भी अपने ऊपर डिपेंड कर रही है। भारती बीइंग अ वूमेन उसने ये स्टेप उठाया, और अगर उसे एजुकेशन भी दी जाती और काफ़ी वो सब चीज़ें दी जाती जो एक प्रिविलेज मिलती है गर्ल को, जो ड्रीम होती है, तब भी उसका जो आइडिया ऑफ मस्कुलिनिटी है, सप्रेशन है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो उसके माइंड में रहता ही रहता। प्ले में जितने भी इंस्टेंस हैं वो सब ये फैक्ट दिखाते हैं कि वंस यू आर अ बॉय यू आर फेवर्ड इन एवरी पॉसिबल मैनर। अगर आप एक लड़का हो तो आपको हर पॉसिबल मैनर में फेवर किया जाएगा, जो क्लियरली शो किया जा रहा था उसके फादर यानी कि पटेल के थ्रू, जब हमने निटिंग वाला सीन डिस्कस किया या फर्दर अब्रॉड में स्टडीज वाला सीन डिस्कस किया, ये क्लियरली हिपोक्रेसी शो करता है उसकी फैमिली की। और ये जो प्ले है ये एक मॉडर्न एजुकेटेड अर्बन फैमिली को एक्सपोज करता है जहाँ पे कन्वेंशनल एटीट्यूड जो है उसे फेवर किया जा रहा है, और कुछ भी मस्कुलाइन वो फेवर करें, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी बुरी चीज का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। इससे मेरा मतलब है वो टाइम जब उसके ग्रैंडफादर ने डॉक्टर ठाकर को ब्राइब किया था बॉय को 2 लेग्स देने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये प्ले समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।